अलेक्सा, मैंने मटर बोला था। नहीं, तुमने मटन बोला था। मटर बोला था। नहीं, तुमने मटन बोला था, मुझे अच्छे से पता है। सुन लिया करो। 3 साल से साथ हूं तुम्हारे, आज तक कभी तुमने मटर ऑर्डर करने को नहीं बोला। मटर ऑर्डर करने को बोला था, मैडम ने मटन ऑर्डर कर लिया। अब क्या है, देख लीजिए फिर मटन करी कैसे बनाता हूँ मैं। अब एक बार बर्तन गर्म हो जाए उसमें ऐड करेंगे 8 to 10 टेबल स्पून घी। अब मटन है तो वो तो घी में ही बनेगा। एक बार घी गर्म हो जाए इसमें ऐड करने हैं 2 बे लीफ, 2 सिनेमन स्टिक, अराउंड 4 क्लोव्स, 3 कार्डमम, और बस इसके बाद मटन ऐड कर देंगे। और इसको घी में अच्छे से 8 to 10 मिनट्स ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, इसको क्या करेंगे, हीट को कर लेंगे ऑफ। सारे मटन पीसेस को निकाल लिया है, इसको रख देंगे एक साइड में। और चाहिए होंगे आपको 2 मीडियम अनियन, 3 मीडियम टोमेटोज, 1 जिंजर का पीस बड़ा, और एक पूरा गार्लिक। अनियन और जिंजर को ग्राइंड कर लेंगे। अनियन जिंजर पेस्ट रेडी है। अच्छा, मैं पोटैटो भी यूज़ करता हूँ। मैंने 3 आलू लिए हैं। ये क्वांटिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि अगर मटन थोड़ा स्पाइसी हो जाता है तो आप आलू तोड़ के उस स्पाइसीनेस को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। इस वजह से मैं इसमें आलू डालता हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा घी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मटन को हमने रोस्ट किया था वही घी मैं यूज़ करूँगा। घी गर्म हो गया, सबसे पहले इसमें जाएगा अनियन जिंजर पेस्ट। हीट मीडियम ही रहनी है। एक बार अच्छे से भुन जाए इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। हल्दी को ऐड करने के बाद इसको 1 to 2 मिनट्स ऐसे ही स्टेयर करेंगे। 2 मिनट्स हो गए इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगा एक पूरा गार्लिक और साथ ही पोटैटो। पोटैटोज वैसे ऑप्शनल हैं, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गार्लिक और पोटैटो ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट्स ऐसे ही स्टेयर करेंगे। 2 मिनट्स हो गए इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर और अराउंड 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। मसाले कुक हो गए हैं, ध्यान रखना है हीट मीडियम रहेगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा टोमेटोज। टोमेटोज के साथ ही जाएगी ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा वाटर। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगा थोड़ा सा सॉल्ट, अराउंड 1/2 टेबल स्पून। मसाला अगर नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। वाटर तब तक ऐड करना है जब तक टोमेटोज पूरे सॉफ्ट नहीं हो जाते इसमें। अराउंड 7 to 8 मिनट्स हो गए इसको। अब क्या करना है,
एक टोमेटो सॉफ्ट हो रहा है उसको क्रश कर देंगे। तीनों टोमेटोज अच्छे से क्रश हो चुके हैं और उसी से हमारी ग्रेवी बनी है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें हम ऐड कर देंगे मटन, रोस्टेड मटन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कुक होने देंगे ऐसे लगभग 5 मिनट्स तक। 5 मिनट्स हो गए इसको, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा थोड़ा वाटर, ज़्यादा नहीं, इतना कि मटन हाफ सबमर्ज्ड हो वाटर में। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वाटर हमेशा गर्म यूज़ करेंगे क्योंकि ठंडा वाटर डालने से ग्रेवी का टेम्परेचर फिर डाउन हो जाता है, फिर उसको कुक होने में टाइम लगेगा। इसको कुक होने में अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर में डाल के विसल लगा दें। और यही मैं ऐड कर दूंगा 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सिर्फ कलर के लिए ही है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा रेड कलर चाहिए। और अराउंड 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। टेन मिनट्स और हो गए इसको, जैसे जैसे नीचे मसाला लग रहा है वैसे वैसे आप इसमें हॉट वाटर ऐड करते जाएंगे। टेन मिनट्स और हो गए हैं, फिर वाटर ऐड कर देंगे। थर्टी मिनट्स हो गए इसको, अब बस आपको इसमें सॉल्ट चेक करना है क्योंकि अभी तक सिर्फ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है। इसको अराउंड 40 मिनट्स हो गए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करी कितनी रखनी है, आपको ज़्यादा करी रखनी है आप ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी रख सकते हैं। 5 मिनट्स और हो गए, यानी कि 45 मिनट्स इसके पूरे हो गए हैं। हीट को कर देंगे ऑफ, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फोकस करते हैं इसके सर्विंग पर। और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे थोड़ा सा अदरक से। अब आप इसको चपाती, पराठे या राइस के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।